हैं जहाँ पर बच्चे, जो कि खुद कहती हैं मुझसे कई बार, कि जिन बच्चों को ब्लैक पेंसिल और वाइट पेंसिल के अलावा और कोई रंग समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इतनी ब्लैंड है, इतनी ब्लैक एंड वाइट है, कि उन्हें कलर जब हाथ में दिया जाता है तो वो सूरज हरा बनाते हैं, यू नो, पानी को ब्लू की जगह रेड, रेड ऑरेंज, उन्हें एक हौसला मिलता है, एक ऐसा होप मिलता है कि आई थिंक वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते. एक छोटे बच्चे को एक सपना देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पर वो अपने सारी उम्मीदों को आपके सामने पेश कर सके, अपने आप देख सके कि मैं इस काबिल हूँ, वो एक सेल्फ एस्टीम होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. और जब बच्चे में वो आप इंस्टिल कर दें तो आपने उस बच्चे को एम्पावर कर दिया. सो दैट्स व्हाट रूबल नाली डज. आई एम सो प्राउड ऑफ हर. शी इज़ अ फ्रेंड हुज ऑलवेज टोल्ड मी, सुश, एनीथिंग यू वांट टू डू समथिंग फॉर किड्स, लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स डू समथिंग. शी इज़ वेरी स्पिरिटेड. और ये तो खैर मैं अपने ट्रस्ट के साथ, आई एम फाउंडेशन के साथ अभी फिलहाल इंडिया में काम कर रही हूँ. हम बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, उनके एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं. हम दोनों औरतों के एम्पावरमेंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उनके जो स्किल लेबर्स हैं जहाँ पर वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर सके, अपने लिए एक ज़िंदगी, एक इज्जत वाली ज़िंदगी बना सके, वो हम प्रमोट करते हैं. बट शी इज़ ऑलरेडी डन हर शोज इन London, she's done it in Dubai, she's done all these shows with traveling the kids. As well, yes. Yeah. बच्चों के आर्टवर्क के साथ शी इज डन ऑक्शंस ऑल ओवर द प्लेस. नाउ शी इज प्लानिंग ऑन न्यूयॉर्क, शी इज प्लानिंग ऑन बैंगलोर, पुणे, सिंगापुर. माय गॉड, गॉड विलिंग, यस, गॉड विलिंग, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. द किड्स आर सो टैलेंटेड, सो द होल वर्ल्ड शुड सी देयर वर्क. या, एंड यू नेवर नो हुज नेक्स्ट big artist in making. Yeah, you never know. Big architect, you never know. But Ashush, IIM Foundation is your foundation is also with the medical aid, right? That's right. Breast cancer, AIDS, yeah, protection of environment. Cancer, just tell them, yeah, a little bit about that as well. Yeah, cancer ek aisi bimari hai jise hum तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो हमारे किसी एक फैमिली मेंबर को या हमारे किसी जानने वाले को की लाइफ इफेक्ट करे. So when I lost my friend, मेरे एक दोस्त जो 26 साल की उम्र में कैंसर की वजह से गुजर गए, उनके माता पिता आज भी CPA के साथ काम करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, दिस वी ट्रूली बिलीव. और हर इंसान का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी इज्जत से, खुशी से, हर एक उस अपॉर्चुनिटी के साथ जिए जो आपको और हमें बचपन से मिली है. वी आर ब्लेस्ड, वी रियली आर.